अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस और रिव्यू के साथ हाजिर है। कल का सेशन जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि इससे जो लास्ट सेशन था उसकी क्लोजिंग 45,000, ये 34 और ये बताया था मैंने आपको 45,000 के अराउंड ही आप समझ लें इसका सपोर्ट लेवल था। वहाँ पे मार्केट क्लोज हुई थी और मार्केट ने कल इसको ब्रीच भी नहीं किया इस लेवल को, और थ्रू आउट मार्केट पॉजिटिव रही। दो के वॉल्यूम काफ़ी कम थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट साइडवेज ही है। इसको हम टेक्निकल टर्म में इनडिसाइसिव बोलते हैं। बुलिश कैंडल तो फॉर्म हुई है, ये येलो कलर की है, ये बुलिश कैंडल है, लेकिन बहुत छोटी कैंडल है क्योंकि कम वॉल्यूम के साथ हुआ था। और जो इसकी जो ओपनिंग था लास्ट सेशन का, पिछले सेशन का, वो 45,500 था, उसको भी इसने अभी ब्रेक नहीं किया है। तो अभी इसमें स्ट्रेंथ नहीं थी इतनी कि इसको ब्रेक कर सके, इन्वेस्टर अभी भी कॉशियस है। जैसा कि मैंने पहले भी पिछली ऑडियो में कहा था कि 14 दिसंबर को जो है मॉनेटरी पॉलिसी शेड्यूल्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली लोग इन्वेस्टर जो है उसी का इंतजार कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट होता है। बहरहाल इसका तो कोरिलेशन इन्फ्लेशन से है, और इन्फ्लेशन की खबरें आपको पता है अभी भी अच्छी नहीं है, हायर साइड पर ही है। इन्फ्लेशन में कमी आती है, जिस तरह एक उम्मीद है कि क्रूड और ब्रेंट की प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही है, तो हो सकता है पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस जो है इस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो इन्फ्लेशन में हम कमी देख सकते हैं, तो फिर हम आगे उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये 14 दिसंबर से पहले पहले इन्फ्लेशन हमारा कम होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी या अनचेंज होगी या डिक्रीज इसमें थोड़ा सा हम विटनेस कर सकते हैं। बहरहाल मार्केट अगर टेक्निकली देखें, अगर हम इसमें आवर्ली चार्ट पे नज़र डालें, तो एक अभी फिलहाल ये एक हम मैंने जो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, ये मैंने यहाँ फॉर्म की है, यहाँ क्रिएट की है, तो इसको देखें तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती हुई चल रही है अभी तक। इसको भी आवर्ली चार्ट में देखें, जब से इसने यहाँ पे नीचे इसको ब्रीच किया इस लेवल को 46,600, जैसे मैंने पहले बोला था कि 46,600 जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यहाँ पे हमने देखा कई दफ़ा रिटेस्ट किया है और रिजेक्शन भी आई है। स्पेशली ये जो है आपका 22 नवंबर के बाद जो रिजेक्शन आई थी, और इसके बाद जो मार्केट, ये एक सपोर्ट चैनल है 43,700 के अराउंड, यहाँ पे मार्केट ने इसको जो है सपोर्ट भी लिया है, इसको ऑनर भी किया है, इसको दो तीन दफ़ा रिटेस्ट भी किया है। पहले तो ये अपना 25 नवंबर को रिटेस्ट किया, फिर इसके बाद 26 नवंबर को भी रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से ये बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, और इसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली जो है बुलिश कैंडल बनाती हुई यहाँ पर 45,700 जो मैंने बोला था ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि ये जो हमारी आवर्ली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन है ये इसका रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे आ रहा था, और उसको इंडेक्स ने आवर्ली चार्ट पे एक दो तीन दफ़ा रिटेस्ट किया, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमने रिजेक्शन विटनेस की। तो अगर हम आवर्ली चार्ट के हिसाब से देखें तो मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली टेक्निकली परफॉर्म कर रही है। ये देखें, थ्री जो है ब्लैक क्रो जिसे हम बोलते हैं, बुलिश सॉरी बेरिश जो है कैंडल है फॉर्म होती हैं, तो इसके बाद जो है इसने बुलिश कैंडल फॉर्म की है, दैट मींस कि यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बन रही है। अगर हम देखें तो 45,000 से लेके 44,700 ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आप जो है बाइंग कर सकते हैं। बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा कि ये 44,700 का वेट करें, और फिर अगर ये मार्केट अगर इसको ब्रीच करके बंद होती है डेली डे टाइम फ्रेम पे देखें, तो फिर आप वेट करें, ज़्यादा बाइंग जो ना करें, रैशनली बाइंग करें। और डेली चार्ट के हिसाब से अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड पर है, ठीक है, ये 46,195 जिस तरह मैंने बोला था, 46,200, 46,300, इसके नीचे नीचे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। आपने जो भी बाई की हुई है डिप पे वो आपने स्ट्रेंथ पे सेल करना है, ठीक है। कैंडल को मत देखें, बुलिश कैंडल है तो बहुत ऊपर जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, नेक्स्ट डे जो है एक बेरिश कैंडल भी फॉर्म हो जाती है। देखें, एक बुलिश कैंडल है फिर एक बेरिश कैंडल है, मार्केट नीचे, फिर ये बुलिश कैंडल है बेरिश कैंडल है, मार्केट
ड्रेस्टिकली नीचे आई। तो ज़रूरी नहीं है बुलिश कैंडल, अगर यहाँ से ऊपर भी फॉर्म होती है तो उसकी कंफर्मेशन ज़रूरी होती है, हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है या सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो उसकी कंफर्मेशन ज़रूरी है। अगर कंफर्मेशन नहीं होती, साइडवेज होती है मार्केट, या इस तरह के कोई छोटी कैंडल या ये इस तरह के डोजी फॉर्म होते हैं, तो आपने भी साइडवेज हो जाना है, आपने उस पर कोई ट्रेड नहीं लेनी है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये छोटी छोटी जो डोजीज और कैंडल हैं इसमें आपने ट्रेड नहीं लेनी है, ये इनडिसाइसिव है। इसके बाद वाली कैंडल डिसाइड करती है, कन्फर्मेशन होती है, इसके बाद आपको पता चलता है ये मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है। इसी तरह अपसाइड के लिए भी, जो मैंने आपको आवली चार्ट पर भी बता दूं, आपको इनिशियल वगैरह आप देख लें आवली चार्ट पे, तो अपसाइड के लिए ये मैंने एक बनाया है 45,600, 45,500। ये आप आवली चार्ट पे इसको वॉच करें, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर वॉच करें। अगर आवली चार्ट के हिसाब से मार्केट इसको परफॉर्म करती है इसी के ऊपर ब्रेक करने के बाद, तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। हाई, ये रिस्की होता है, हाई रिस्की होता है, बेहतर यही है कि आप नीचे के लेवल पे बाइंग करें और ऊपर पे आप सेल करें, तो आप सेफ रहेंगे। अच्छा, अगर हम वीकली, क्योंकि आज थर्सडे है और कल जो है वीकेंड है, फ्राइडे है, तो उसका भी मैं हल्के से एक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये देखें वीकली चार्ट पे भी जो है ये एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये देखें वीकली चार्ट पे जो है ये एक बुलिश कैंडल फॉर्म होने जा रही है, ठीक है, इसको हटा देते हैं आवरली को, ठीक है। तो होपफुली, उम्मीद यही करते हैं कि देखें ये एक मैंने ट्रेंड लाइन छोटी सी यहाँ पे एक फॉर्म की थी, नई ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है, और एक यहाँ पे भी एक ट्रायंगल फॉर्म होने जा रहा है। तो देखें अगर ये ट्रायंगल बनता फॉर्म होता है और यहाँ से कोई ऊपर कोई क्लोजिंग अच्छी बुलिश कैंडल के साथ होती है, और तो हम मजीद यहाँ से अपसाइड देख सकते हैं। ये मैं वीकली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि देखें ये देखें यहाँ पे भी आपको एक हिस्ट्री आपको मिलेगी इसकी, ये बुलिश कैंडल फिर बेरिश कैंडल, ये वीक एक वीक में यहाँ पर नहीं, फिर नेक्स्ट वीक में बेरिश कैंडल, फिर इसके नीचे एक और बुलिश कैंडल हुई, फिर एक इसके नीचे एक और बेरिश कैंडल, ये एक बुलिश कैंडल है। अब हो सकता है कि इसके ऊपर बुलिश कैंडल फॉर्म होती है वीक के हिसाब से देखें, या फिर एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती है, ये सपोर्ट लेवल टूटता है, तो वीकली चार्ट को भी जहन में रखें, और वीक ऑन वीक बेसिस पे भी अगर आप डे ट्रेडर नहीं है तो वीकली चार्ट के हिसाब से भी आप जो है ना होल्ड करके पोजीशन ऊपर सेल कर सकते हैं। इसके भी फॉर्चुनेटली वही रिजल्ट अपना रेजिस्टेंस है, देखें यहाँ पे भी 46,200, 46,300, ठीक है, 46,600, देखें यहाँ वीकली चार्ट पे भी बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, जरूर कल भी मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है 46,200, 300 जाती है मार्केट तो बुलिश ही है, कन्फर्मेशन होना ज़रूरी है वीकली पे डेली पे, तो इसके ऊपर अगर परफॉर्मेंस देती है तो ये अगला टारगेट होगा हमारा 47,200 से लेके 43,600 तक। अच्छा, आज जो मैंने स्टॉक पिक किया है वो है क्लोवर फूड। पहले क्लोवर ये फूड सेक्टर में था एक्चुअली, फिर इनका बिजनेस चेंज हुआ, ये ऑयल्स में आ गए हैं, ऑयल में आई थिंक मोबिल ऑयल ऐसे ही कुछ इनके बिजनेस है। तो इनका असल में ड्रॉबैक ये हुआ कि इनके जो डायरेक्टर थे वो हेस्कोल वाले थे, सलीम बट, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देखा क्लोवर में, ठीक है। तो हेस्कोल आपको पता है इस वक्त डिफॉल्टर में है और इसमें फॉर्जरी के केसेस भी चल रहे हैं। बहरहाल अभी अगर हम टेक्निकली देखें तो बहुत ही ओवरसोल्ड जोन में है, अंडर वैल्यूड है, तो इसमें आप एंट्री ले सकते हैं क्योंकि ये डिफॉल्टर में नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये प्राइस यहाँ पे डाउन हुई थी वीकली डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो ये देखें ये 200 MA है डेली चार्ट के हिसाब से, इसके नीचे परफॉर्म और काफ़ी नीचे परफॉर्म कर रहा है। ये भी आप देखें कि यहाँ पर 53 के अराउंड 200 MA है और इस वक्त इसकी क्लोजिंग हुई है 31 के अराउंड, आई थिंक 30.62,
ठीक है, तो यहाँ पे इसने देखें काफ़ी एक्यूमुलेशन की है, 2849, और फिर इसके बाद जो है ये गया था स्टॉक, इसने रीटेस्ट किया 3756, लेकिन ये गैप करता हुआ है, तो अभी इसने एक गैप अभी जो है फिल नहीं किया, जो ये वाला गैप है, ये अगर हम क्लोजिंग देखें तो ये वाले की आ रही है 38 और 39 के अराउंड, तो मुझे लगता है इन नियर फ्यूचर ये 38, 39, इवन 44 भी जो है ये रिटेस्ट कर सकता है, तो इसको आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करें। मैं आपको बता दूँ उसके प्राइस 29, 29 में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, 29, बिटवीन 28, 50 टू 29, यहाँ पे आप बाय करें इसको। मैं एक यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, क्योंकि ये लेवल जो है तकरीबन समझिए, ये एक तो होता है कि सपोर्ट से भी नीचे जो काफ़ी लेवल है सपोर्ट के, 1, 2, 3, 4, वो सब ब्रेक करता हुआ ये स्टॉक जो है यहाँ पे इसने एक्यूमुलेशन की है, ये तकरीबन समझिए बॉटम है, ये मेरे हिसाब से तो ये मुझे बॉटम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने काफ़ी दफ़ा इसको रिटेस्ट किया, इसके नीचे कोई सेलिंग नहीं है, डोजी फॉर्म हुए, इसका मतलब सेलर अब इसके नीचे मजीद सेल करने को तैयार नहीं है। ये वाली एक अच्छी लाइन है, करें उसकी ये ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ले लें, तो ये 29 अच्छा है, ठीक है ना, 29, बस समझ लें 29 अगर आता है तो नीचे 1 रुपया अगर और बहुत से हुआ तो नीचे आएगा, 28 तक आएगा, तो 29 में आपने बाय करना है इस स्टॉक को, और इसका जो टारगेट है इसमें ये सब चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए, अब ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखें, आपको आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से गैप लेता हुआ यहाँ पर स्टॉक आया था, ठीक है, और अभी ये वाला गैप अभी जो है 38 वाला, ये अभी फिल होना बाकी है, और ये फिल होगा, क्योंकि देखें अगर ये फॉल्स होता है गैप तो ये फिल ज़रूर होता है, ये देखें यहाँ पर भी इसने गैप दिया था 21 मई 2021, ठीक है, 57 के बाद इसने गैप देखें, यहाँ ओपनिंग दी थी 60 के अराउंड, फिर इसके बाद जो ड्रेस्टिकली जो नीचे आया, ना सिर्फ उसने गैप फिल किया ये वाला, बल्कि बहुत ही ये स्टॉक नीचे आया है, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो है ये अगर ये गैप फिल करता है तो ज़रूरी नहीं है यहाँ से नीचे आए, मुझे यहाँ से ये ऊपर लग रहा है, एटलीस्ट ये जो रेजिस्टेंस आ रही है इसकी ट्रेंड लाइन, ये 44 के अराउंड ये हमारा टारगेट होना चाहिए, अगर हम 29 पे कोई स्टॉक बाय करते हैं और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो करना चाह रहे हैं वो यहाँ टारगेट जो है 44 तक का टारगेट रखें, ये इंशाल्लाह ज़रूर अचीव होगा, इवन 49 भी जो एक यहाँ पे देखें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये 29 भी रिटेस्ट, ये सॉरी 49 या 50 के अराउंड भी रिटेस्ट कर सकता है, तो आपका टारगेट मार्केट को देखते हुए बिटवीन 44 टू 49, ये बिल्कुल सेफ है ये टारगेट, और इसके बीच में आप जो है स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आप सेल अपना टारगेट भी हिट हो जाए तो उसको सेल कर सकते हैं टारगेट पे। अच्छा, एक ये हमारा जो मैंने बताया 53 का लेवल है, ये हो सकता है ये भी रिटेस्ट हो, और अगर इसके ऊपर कंफर्मेशन होती है, इसको ब्रेक करता है, ब्रेक के बाद कंफर्मेशन मिलती है हमें वीकली पे और डेली पे, तो ये इंशाल्लाह 65 तो ज़रूर रिटेस्ट करके दिखाएगा आपको, तो यहाँ पे एक अच्छा है, आप होल्ड करते हैं 2-3 महीने के लिए, तो ये आपको 65 इंशाल्लाह नियर फ्यूचर आपको दिखा सकता है ये स्टॉक। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।